पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार की ओर से भारी भरकम टैक्स वसूले जाने के बीच सेना ने खालसा सरकार के कानून का हवाला देकर जबरन जमीन कब्जाना शुरू कर दिया है, जिससे लोग खासे नाराज हैं। कानून के अनुसार गिलगित बाल्टिस्तान में अगर कोई जमीन बंजर या अनुपजाऊ है तो सेना उस पर कब्जा कर सकती है। बिजली संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में ब्लैकआउट का खतरा पैदा हो गया है। आलम यह है कि शहबाज शरीफ कैबिनेट को बगैर बिजली के ही अपनी बैठक करनी पड़ी। अवाम को बलूचिस्तान में 10 से 12 घंटे जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 6 से 12 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। बिजली बचाने के लिए शहबाज सरकार ने ऊर्जा बचत योजना तैयार की है, जिसका देश के कारोबारी विरोध कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन पर कोविड के मामलों को छुपाने का आरोप लगाया है। डब्ल्यूएचओ के इमरजेंसी डायरेक्टर माइक रेयान ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चीन कोरोना के मामलों की जो तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहा है वो सही नहीं है। चीन में कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों के असली आंकड़े चीन की ओर से जारी किए जा रहे आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं। ब्रिटेन में जल्द ही 18 साल तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए गणित की पढ़ाई अनिवार्य की जा सकती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस योजना पर गंभीरता से काम कर रहे हैं और जल्द ही इसकी घोषणा भी कर सकते हैं। ऋषि सुनक का कहना है कि आज की दुनिया में हर जगह डेटा बेस्ड काम हो रहा है और आंकड़े हर काम को रेखांकित कर रहे हैं। ऐसे में गणित को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन में 16 से 19 साल के बीच के आधे बच्चे ही मैथ की पढ़ाई करते हैं। अफगानिस्तान में लड़कियों के यूनिवर्सिटी जाने पर पाबंदी के बाद टीचर छुपकर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तालिबान सरकार ने 21 दिसंबर 2022 को एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए लड़कियों के यूनिवर्सिटी जाने पर रोक लगा दी थी। तालिबान ने कहा था कि यूनिवर्सिटी जाने वाली छात्राएं इस्लामिक ड्रेस कोड का पालन नहीं कर रही हैं। तालिबान के इस फैसले से बहुत छात्राएं डिप्रेशन में चली गई हैं।